आपको केलों की बागात नजर आ रही होगी, मैं आपको दिखा दूँ किस तरह के नजारे भाई। ये देखिए नजारे चेक करें कितने जबरदस्त है भाई। सब मैं बताऊँ, हम लोग जहाँ आप लोग खड़े हुए ना, यहाँ पे ईरानी पेट्रोल मिल रहा है और काफी सस्ते में मिल रहा है, तो हम लोग टंकी फुल करवा रहे हैं इस टाइम पे। ये आप देख सकते हैं मट वेलकैनो है और यहाँ हम जाने वाले हैं, और आपको मैं दिखाता हूँ ये हमारे असल में काफी बार है। इस वक्त हम लोग इम्तियाज स्टोरी के अंदर हैं और यहाँ से हमको सामान वगैरह लेने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारा जो है वो ट्रिप स्टार्ट होने वाला है बलूचिस्तान के लिए, तो उसके लिए हमको सामान वगैरह लेने के लिए आए इम्तियाज स्टोरी के अंदर। और ये खाना वगैरह पैक करने के लिए काम आएगा, और ये स्पून वगैरह लिए, और ये कट वगैरह करने के काम आएगी सारी चीज़ें। ये दूध के पैकेट वगैरह ले लिए, और ये मसाले वगैरह ले लिए, और ये पानी के प्लेट ले लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने घर के पास, और इम्तियाज से हमें कुछ सामान वगैरह लेना था, वो सारा सामान वगैरह हमने सब ले लिया है वहाँ से, जो चीज़ हमें चाहिए थी ज़रूरत की। अभी हमारा जो ट्रिप है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बलूचिस्तान के लिए, और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस ट्रिप के अंदर, चूँकि हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हैं और आपके साथ इसको शेयर करने वाले हैं। ये हमारे असद भाई हैं भाई, और हमारे साथ हैं सलमान भाई। सलमान भाई कैसे हैं? ये हमारे साथ फर्स्ट टाइम इन्होंने ज्वाइन किया है, और काफ़ी मज़ा आने वाला है इनके साथ। हम तो करते ही रहते हैं तुम्हें ज्वाइन, बिल्कुल ऐसे ही है। और बाकी देखते हैं हमारी गाड़ी के अंदर पूरा सामान पूरा लोड हो चुका है फाइनली। ब्लैंकेट है, कुकिंग का सामान है, पानी की बोतल है, बैग रखा, और यहाँ पर सारी ग्रोसरी वगैरह आ गई, इसमें चिकन है, मतलब तमाम सामान, सारे सामान ले लिए जो जरूरत पड़ी। भाई के दो बैग आएंगे और रिजवान भाई के एक दो बैग है, सही है, बस तकरीबन भाई जरूरत के सारे सामान यहाँ पे हम लोग लोड कर चुके हैं हम लोग गाड़ी के अंदर, और फाइनली बस अपने हमारा निकलने का टाइम आ चुका है, और जैदी भाई घर की तरफ आ चुके हैं, और यहाँ पे हमने सारा सामान वगैरह लोड कर दिया, और फाइनली हमारी ट्रिप जो है यहाँ से स्टार्ट होने वाली। जैदी भाई ने बड़ी जबरदस्त कड़क चाय पर लाई है यहाँ पे हम लोगों को, ये हमारे सामान वगैरह लोड कर रहे हैं। जैदी भाई जी, भाई कैसे हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र है भाई, ट्रिप स्टार्ट हो गया है, और अब बाकायदा हम प्रॉपर सेटिंग कर रहे हैं कि दो दिन ढाई दिन किस तरीके से गुजारना है। जबरदस्त मतलब सामान तो काफी ज्यादा ले लिया, अच्छा खासा सामान हो गया यार, ये आप सबके लिए लिया है, ये सब आ जाएगा। इसमें फ्रूट्स हैं और हमारी तरफ से ही है, कुछ बिस्किट्स वगैरह आ गए, सही है, और चाय की चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं यार इसमें। ये तो मुझे लग रहा है पूरे महीने का सामान जाने वाला है आपका, ये भाई मजा आने वाला भाई इस ट्रिप के अंदर। फाइनली आप देख सकते हैं हम अंधेरे में निकल चुके हैं, और हमारा सफर जो स्टार्ट हो चुका है, और हमने अपने मोबाइल वगैरह अंदर रख लिए क्योंकि जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। चले जी, फाइनली आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग बलूचिस्तान के लिए निकल चुके हैं, और हमने तकरीबन 150 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है, और हम लोग कराची से तकरीबन 5 बजे निकले थे, और अब जो टाइम हो चुका है तकरीबन 6:30-7 बजने वाले हैं, और इसमें आप देख सकते हैं रोशनी हो चुकी है, और हमारे जो भाई वगैरह हैं यहाँ पर गाड़ी हमने पार की है, यहाँ पर हम वॉशरूम वगैरह जाने के लिए रुके हैं इस टाइम पर, और हमारा जो सफ़र है तकरीबन 2 दिन का हम लोग यहाँ पर स्टे करने वाले हैं बलूचिस्तान की तरफ, तो पूरा टूर आपको दिखाने वाले हैं कहाँ कहाँ जगह हम लोग स्टे करने वाले हैं, और किस तरह से हमारा ये टूर होने वाला है। तो हम लोग जहाँ आप लोग खड़े हुए ना, यहाँ पे ईरानी पेट्रोल मिल रहा है और काफ़ी सस्ते में मिल रहा है, तो हम लोग टंकी फुल करवा रहे हैं इस टाइम पे। ये आप देख सकते हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं नमाज वगैरह पढ़ने के लिए, और यहीं पे चीकू के बागात हैं, वो भी आपको दिखाएंगे वीडियो के अंदर। ये देखें जगह चेक करें, आग कितनी ज़बरदस्त है, और ये मस्जिद है, यहाँ पर हम नमाज़ पढ़ने वाले हैं भाई। यहाँ का व्यू चेक करें कितना ज़बरदस्त है, मैं आपको बताऊँ अभी हम लोग किस टाइम यहाँ कहाँ खड़े हुए हैं। ये आपको जो नज़र आ रहा है मेरे पीछे, ये चीकू का पेड़ है, जहाँ पे वो कितनी बल्क क्वांटिटी में आपको नज़र आ रहा होगा इस टाइम, ये आप चेक करें भाई कितने ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और सारे चीकू जो यहाँ पर हैं अभी इस टाइम वो कच्चे हैं। हमारे असद भाई और हमारे साथ जैदी भाई हैं, यहाँ खड़े नज़र आ रहे हैं। जैदी भाई कुछ तोड़ा आपने? सारे कच्चे हैं, पक नहीं जाएंगे तोड़ने के बाद? यार पता नहीं है वल्लाह आलम, मगर कच्चे हैं यार ये सारे कच्चे हैं। ये देखें आपको दिखा दो कितने ज़्यादा नज़र आएंगे आपको, चिकू चिकू नज़र आ रहे हैं, ये देखें कितनी क्वांटिटी में, ये देखें ये सारे कच्चे हुए हैं इस टाइम। भाई ये खुद ही टूट के गिरा है एक चिकू मेरे हाथ में आ गया, अच्छा इसमें से कुछ वाइट वाइट का कुछ निकल रहा है, ये टूट के गिरा भाई एक एक पोर्ट्रेट पे एक फोटो उसको। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ट्रिप के दौरान जब इस तरह का कोई सपाटर मौसम होता है तो यार मजा ही अलग है यार, सीन चेक करो, बूंदा बांदी चल रही है यार, लाजवाब हो गया यार, जबरदस्त। सबक हासिल करें कि गाड़ी आपने एहतियात से चलानी है भाई, यहाँ पर जो है ना गाड़ी एहतियात से चलानी है, और ये देखें बेएहतियाती की जो है ना ये सजा होती है। क्या हाल हुआ आगे से भाई, ये चेक करें, मेरे हिसाब से बंदा तो नहीं बचा होगा, किसी हाल नहीं बचा होगा, ड्राइविंग साइड बिल्कुल डेड हो गई है, तो भाई एहतियात करें क्योंकि वन वे रोड होता है यहाँ, बहुत गंदा है। अगर भाई सामने कभी कुछ नजर नहीं आ रहा है, देखें तेज बारिश हो गई है, ये देखें शीशा जो है ना ब्लर हो रहा है गाड़ी का यार, मतलब ओए लगा
ये आप देख सकते हैं बारिश सब बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। हमारा जो वाइपर है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। अब हम कोशिश करेंगे अपना वाइपर चेंज करने की। आप मौसम चेक करें, कितना ज़बरदस्त मौसम हो चुका है। हम लोग जगह कराची से बाहर निकले हैं बलोचिस्तान की तरफ, काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई है और हम लोग तकरीबन आधे घंटे से काफ़ी स्लो गाड़ी चला रहे हैं और चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। इस टाइम आप चेक करें यार, जगह चेक करें कितनी तेज़ बारिश हो रही है। इस टाइम आपको नज़र आ रहा होगा हमने गाड़ी यहाँ पे अभी पार्क की है, चूँकि हमारा जो वाइपर है वो सही से काम नहीं कर रहा, तो गाड़ी की मिरर वगैरह साफ़ करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे गाड़ी जो अभी रोकी है पेट्रोल पंप के साथ ही। इस टाइम आपको दिखाऊँ तो अभी बारिश जो बिल्कुल भी नहीं रुक रही और हमारा तो अभी ज़्यादा था कि आगे निकलना है, लेकिन भूख भी ज़्यादा लगी हुई थी तो ये सोचा कि हमने पेट्रोल पंप पे रुके हुए थे तो यहीं पे हमने सोचा कि नाश्ता वगैरह बना देते हैं। और हमारे असद भाई है वो नाश्ता तैयार कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या बना रहे हैं उसको, ये आप चेक करें। असद भाई जी, भाई क्या बना रहे हो आप? भाई हम जो है ना ब्रेड पे वो लगा रहे हैं, मक्खन लगा रहे हैं ब्रेड पे। जी बिल्कुल, ये देख भाई मक्खन लगाते हुए ब्रेड के अंदर। और हमारी डबल रोटी ले ली थी, ब्रेड ले लिया था और साथ में पापे वगैरह हैं और तीन पीस और रह गए भाई। ये 20 मिनट की मेहनत है क्योंकि मक्खन जो है ना जम चुका है, देखे पत्थर हो रहा है। ये देखे भाई फुल जम गए, फुल जम चुके हैं। नाश्ता इंजॉय करते हैं भाई, डबल रोटी के अंदर मक्खन लगा लिया है, इसको खा के देखता। रात से निकले हैं, भूख लगी हुई शदीद वाली, और ये नाश्ता ख़त्म करते हैं और फिर निकलेंगे आगे की तरफ। ये चाय वाला गरम चाय, क्या कर रहा है? नहीं भाई पीछे देखो। अरे दिखेगा तो देखू ना, वो कैमरा भी बीच में आ गया, अब मैं कहाँ लेके जाऊँ? इससे करते हैं हम प्यार मोहब्बत की बात। ये बिल्कुल खत्म हो चुका है वाइपर हमारा, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, इस वजह से हमें गाड़ी ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। हमारे जैसी भाई को कैसे हमारे परेशान हो गए थे। वाइपर मिल गया है, बस अभी इसको चेंज करा रहे हैं। बस जबरदस्त फाइनली हम लोग नाश्ता करके वहाँ से निकल चुके थे। थोड़ा सी हम लोग आगे गए थे, यहाँ पे एक हमको केलों की बागात नजर आया, काफी जबरदस्त है। यहाँ पे आप मौसम बताओ ना, बहुत जबरदस्त हुआ, बहुत बेहतरीन मौसम हुआ इस टाइम पे। बारिश बहुत तेज हो रही है, बारिश नॉन स्टॉप हो ही रही है काफी देर से, बारिश बिल्कुल भी नहीं रुकी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं आपको केलों की बागात नजर आ रही होगी, मैं आपको दिखा दूँ किस तरह के नजर आ रहे हैं। ये देखिए नजारे चेक करें कितने जबरदस्त है भाई, ये केलों के दरख्त हैं यहाँ पे सारे आपको नजर आ रहे हैं। चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए केलों के बाग आते हैं आपको नजर आ रहे होंगे इस टाइम पे, ये आप चेक करें भाई। इस टाइम हम अंदर आ चुके हैं, बारिश बहुत तेज हो रही है, ये आपको नजर आ रहे होंगे केले वगैरह। ये देखें अभी केले चेक करें, वही चेक करें, इतने सारे आपको दरख्त नजर आ रहे होंगे सब केलों के। आप ये देखें, आप चेक करें भाई, बहुत ही खूबसूरत नजारे भाई, जबरदस्त। अच्छा कीचड़ भी है बहुत ज्यादा यार, ये आप देखें पौन फंस रहे हैं इसके अंदर। अभी फॉग चेक करें कितनी ज्यादा हो रही है, दो घंटे से ज्यादा नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। हमारे जैदी भाई को गाड़ी चलाने बहुत मुश्किल हो रही है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है यार, मुझे बैठने बहुत मुश्किल हो रही है। ये वाला असद भाई देखो कितने माफी शक्कर बना के बैठे हैं, बहुत मजा आ रहा है। ये देखिए भाई अभी चेक करें भाई, बिल्कुल यार हमने अपना सफर दोबारा से कंटिन्यू कर दिया और आप लोग ये चेक करें माशाल्लाह कितना जबरदस्त नजारा है। और आगे जो है ना काफी बारिश लग रही है जैसी भाई, मुझे यार आगे आप मौसम चेक करो, यहाँ पे अभी सही था बारिश और अभी ये देखो शीशे देखो और बारिश शुरू हो गई है भाई, बारिश दोबारा और काली घटाएं जो है ना फुल ब्लैक हो रहा है, मतलब आगे मजेदार बारिश है। और आप लोग ये देखें हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, चेक करें माशाल्लाह जबरदस्त खेत खलियान कैसे हो रहे हैं, मौसम है यार हरे भरे, व्यू चेक करें आप लोग। चलिए आप व्यू चेक करें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से ज़बरदस्त। और अभी हम जिस जगह पे मौजूद है ये मगरान कोस्टल हाईवे वाला रूट है, यहाँ से सारे रास्ते निकलते हैं, प्रिंसेस ऑफ होप, गवादर, सारे रास्ते यहीं से निकलेंगे कुनबलीर उड़माड़ा बीच के लिए, यही रास्ता यहाँ से जाने वाला है। और तकरीबन हम लोग यहाँ से थोड़ा सा गलत निकल गए थे, तकरीबन हम लोगों ने 80 किलोमीटर का सफ़र जो है वो ऐसी फजूल में तय कर लिया था, चूँकि हम लोग रॉन्ग रास्ते की तरफ निकल गए थे, चूँकि हमने मैप देखा नहीं, बेध्यानी में आगे निकल गए थे, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मुसलसल दो घंटे तक बारिश होती रही थी। और बाकी अभी जगह चेक करें किस तरह की है भाई, आप देखें कितनी खूबसूरत जगह है यहाँ पे। ये हमने अभी गाड़ी यहाँ पार्क की हुई है और जगह मौजूद है यहाँ पे, ये देखें भाई। भाई फाइनली हम लोग जो है यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है और ये आप देख सकते हैं गवादर जो है वो 520 किलोमीटर है और पसरी जो है 380 किलोमीटर है और यहीं से हम लोग निकलने वाले हैं प्रिंसेस ऑफ होप के लिए। और जो भी हमारे रास्ते में जो चीज़ें हैं वो यहीं से आने वाली है। स्पीड में जा रहे
बिल्कुल गोली इस टाइम जहाँ मौजूद है मगराम कोस्टल हाईवे वाला रोड ही है। और अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे आए और यहाँ सिर्फ व्यू चेक कराने के लिए यहाँ पे हम लोग उतरे थे। और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना कोई शानदार और कितना कोई खूबसूरत आपको व्यू नज़र आ रहा होगा। और बारिश जो है ना नॉन स्टॉप हो रही है, बारिश बिल्कुल भी नहीं रुकी है इस टाइम पे। मैं अगर आपको नज़ारे चेक करूँ ना कुछ इस तरह की, अभी आप चेक करें भाई कितने शानदार है। आप व्यू को इंजॉय करें यहाँ पे, आप ये देखें कितने बेहतरीन है, ज़बरदस्त। ये देखें भाई, वैसे अगर आप नॉर्मल दिनों में आए ना तो यहाँ पे शदीद आपकी धूप निकली होती, गर्मी होती, लेकिन अभी मौसम जो है ना बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत हुआ हुआ है। ये मतलब मज़ा आ रहा है एंजॉय करने में, ये ट्रिप जो है ना काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। क्या हुआ यार, ये पहाड़ चेक करें कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं आपको। यार ये देखें, आप चेक करें, ये मैं आपको चेक कराता हूँ भाई, ये वाटरफॉल चेक करें भाई। पहाड़ों के बीच में एक वाटरफॉल आया है नज़र, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें भाई, ये देखें कितना ज़बरदस्त आपको वाटरफॉल आपको नज़र आ रहा है इस टाइम पे, काफ़ी दूर है लेकिन नज़र आ रहा है। ये देखें भाई नज़ारे वगैरह चेक करें कितने ज़बरदस्त है। चले जी, अभी हम लोग रुक गए अपने जो स्पेयर व्हील में, हम लोग हवा भरवाने के लिए रुक गए, जो हवा बिल्कुल भी नहीं थी और रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे जिस वजह से हम लोग यहाँ पर रुक गए। और ये आप देखते हैं, आपको एक शॉप नज़र आई थी जहाँ पर हम अपनी स्पेयर व्हील के अंदर हवा दलवा रहे हैं। अब बस ये दुआ करें 55 इंच ना हो बस। ये देखिए भाई, बाकी जगह चेक कर लें कुछ आपको इस तरह से नज़र आ रही होगी यहाँ पे। वो वाली जो है ना लड़की, वो वाली हीरोइन। और अभी हम लोग इस जगह पहुंच चुके हैं, अब मेरे पीछे आपको एक पहाड़ आपको नज़र आ रहा होगा, ये मट वेलकैनो है और यहाँ हम जाने वाले हैं। और आपको मैं दिखाता हूँ, ये हमारे असद भाई कब आ रहे हैं। असद भाई कहाँ जा रहे हैं? ये सामने की तरफ हम लोग जाने वाले हैं भाई। वो देखो। अरे मैं चला। अच्छा यार, हमारे अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। करेंगे ना, कोई माइंड नहीं करने वाला, क्योंकि हमारे अलावा कोई है ही नहीं यहाँ पर। अरे मैं चला। अरे गाड़ी कहाँ छोड़ दी आप लोगों ने, गाड़ी तो लेके आए। तुम ही जाते जा रहे हो, आप आगे आते जा रहे हो, मसला नहीं है भाई। हम लोग उस तरफ जाने वाले हैं सामने की तरफ, ये आपको सामने नज़र आ रही है, ये पहाड़ जो नज़र आ रही है ये मट वेलकैनो है। और इसके जो है ना तकरीबन 100 की करीब स्टेप है जो ऊपर चढ़ के हम लोग को जाना है, वो जगह मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से भाई। वो काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद फाइनली हम उस जगह पहुंच गए जहां हमें जाना था। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी आपको खूबसूरत नज़ारे इस टाइम आपको नज़र आ रहे होंगे। बारिश अभी भी हो रही है, कंटिन्यूसली बारिश चल रही है इस टाइम पे। और ये हमारी गाड़ी यहां पे खड़ी हुई है इस टाइम। और अब जिस जगह हम लोग जाने वाले हैं वो सामने आप देख सकते हैं, ये मट वेलकैनो है। और मैं आपको थोड़ा ज़ूम करके दिखाता हूं ये जगह पे जाने वाले हैं भाई। सीन अब कुछ ऐसा हो चुका है कि अभी हम लोग आगे तक आए थे और चूँकि बारिश ज़्यादा हुई है जिस वजह से हम लोग उस तरफ तक नहीं जा सकते। हमने काफ़ी कोशिश करी रास्ता ढूंढने की, उस तरफ से हमारी सीढ़ियाँ जा रही हैं उस तरफ से। और अभी वो यही कह रहे हैं कि ये मिट्टी जो है बिल्कुल गीली हो चुकी है और इसमें कह रहा है 3 से 4 दिन लगेगा ये मिट्टी सूखेगी, उसके बाद आप वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। हमारे साथ एक भाई मिले, एक बाइकर है, ये आप देखें अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, सोलो ट्रैवल कर रहे हैं। ये देखें इनकी बाइक चेक करें यार, अच्छी ज़बरदस्त बाइक है। ये चेक करें भाई, ये इनका ड्रोन वगैरह। सर आप देख सकते हैं मौसम काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है, हमें काफ़ी रात के निकले हुए थे, भूख ज़्यादा लग रही है। तो अभी मैं फाइनली अब इस वक्त जो है मैं पिज़्ज़ा टाइप कुछ बनाने वाला हूँ। और ये आप देख सकते हैं ये पिज़्ज़ा ब्रेड है और साथ में ये आपके कुछ शिमला मिर्च मैंने काट लिए हैं और साथ में ये आपके प्याज वगैरह और ग्रीन प्याज वगैरह जो होते हैं। और बस इसके बाद हम लोग थोड़ी सी चीज़ वगैरह बनाने वाले हैं। मैं इसके अंदर थोड़ा सा केचप वगैरह लगा लेता हूँ, हल्का सा ऑन कर लो। ब्रेड के अंदर हमने पहले गार्लिक ऐड किया, उसके बाद हमने मायो ऐड किया और बाकी इसके बाद हम लोग शिमला मिर्च थोड़ी सी ऐड करेंगे। ये देखें शिमला मिर्च थोड़ी सी हमने ऐड कर दी इसके ऊपर और इसके बाद हमने ग्रीन ऑनियन प्याज वगैरह जो है इसको हमने ऐड करने वाले हैं। ये भी सही है। चलो चले जी, हमारा ये ब्रेड जो पिज़्ज़ा ब्रेड है वो रेडी हो चुका है और इसको ड्राई करता हूँ, खा के बना गया था। काफ़ी सही बना हुआ है, जैसा भी बना हुआ आपको अच्छा लग रहा खाने में, जो मौसम अच्छा है, जगह अच्छी है, तो कुछ भी बना हुआ है आपको अच्छा लग रहा खाने में। वैसे टेस्ट भी काफ़ी अच्छा बना है, मज़ेदार बना है, मज़ा आ गया भाई। यहाँ पे हमने अपना खाना वगैरह खा लिया है यहाँ पे और भाई हमने पिज़्ज़ा वगैरह बनाया था, ज़्यादा चीज़ें उसमें लगाई नहीं थी लेकिन काफ़ी अच्छा बन गया था। और बाकी जैसे हमारा पूरा पीछे जैसे सेटअप चल रहा है, हमारे रिजवान भाई वो नमाज अदा कर रहे हैं यहाँ पे, इस टाइम पे दूध पत्ती चाय बन रही है। कहाँ गया इसका लगा दिए, ऐसी जगह में चाय पीने का एक अलग ही स्वाद आता है भाई। देखें मज़ेदार चाय बनी हुई है यार, ज़बरदस्त मज़ा आ गया। अब भाई ये कि हमने यहाँ पे खाना वाना खा लिया है, सब कुछ कर लिया है और अब सब आगे के लिए निकलेंगे हम लोग यहाँ से।
चले जी फाइनली हमारा खाना चाय वगैरह सब हमने पी ली और यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया। हमने यहीं पे अपना सारा सेटअप यहीं पे खोल लिया था, यहीं पे हमने अपना पिज़्ज़ा वगैरह बनाया और उसके बाद हमने चाय वगैरह बनाई और इन्जॉय किया, काफ़ी अच्छा लगा। बाकी ये कि हमने ब्लॉग को यहीं पे मैं एंड करते हैं और इसके बाद आगे ब्लॉग जो हमारा कंटिन्यू होगा किसी और जगह जाएंगे, वो अलग दूसरे ब्लॉग में आपको वो दिखाने वाला हूँ। और ये वाला ब्लॉग फिलहाल मैं आपको यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ आपको भी काफ़ी मज़ा आया होगा इस ब्लॉग के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देगा, शेयर कर देगा और हमें ज़रूर सपोर्ट करिएगा आप।